जनाब अपना परिचय कराएं। मैं उमर मोहम्मद अक्सर पंचनावली से हूँ जी। जनाब जिस तरीके से 5 साल सरपंच कार्यकाल के बीत चुके हैं, जो सरपंच रहा है उन्होंने किस तरीके से आपके सामने वक्त बिताया है, क्या मानते हैं आप? सर हमारे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत तो पानी की, पीने के पानी की जी। लोगों का अब सबने कुंडे खुदवा रखे हैं, तो अब महीने खूब नहीं होता, एक कुंडा 15 से 1200 रुपये गिर रहा। पानी किल्लत हुई नहीं ख़त्म इससे, वो हमने पहले बोर करवाए थे अपने टाइम में, वही अब चुहान नीचे जा रहा, बरसात हो नहीं रही है तो बोर में पानी नहीं है, पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है गाँव में, कोई विकास नहीं हुआ पानी के बारे में। और नरेगा से काफ़ी काम आया था, तो अब रास्ते भी गांव में जो हमने बंधवाए थे वही थे, कहीं 4 इंच भी नहीं लगवाई। वो मुंडल था, जिला प्रमुख था, तो उसके उससे थोड़ा एक दो कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई है, वो भी मुंडल के थ्रू हुई है, तो खास विकास नहीं हुआ वो जो होना चाहिए। तो हमारे तो ये सोचती भाई हमसे कोई काम रहेगा है तो आने वाला आदमी भाई उस काम को पूरा करे और पब्लिक की सेवा करे, काम की समस्या सब खत्म हो। पानी की किल्लत है और कोई मामला सरसरे का मामला आते हैं तो कोई किल्लत खत्म नहीं हुई, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है जी, पानी का पीने का पानी की काफ़ी परेशानी है, बहुत मोटी परेशानी। सरपंच साहब हमने गांव वालों से भी बातें की, क्या है आपसे पहले जो 5 साल जो पहली 5 साल गुजरी थी वो बहुत सुकून और इत्मीनान से गुजरी थी, कोई परेशानी का सामना नहीं किया करना पड़ा जब उमर मोहम्मद सरपंच रहे थे, तो आपका अब ये क्या रणनीति है आपकी जो वक्त आ रहा है? भाई रणनीति ये है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह, और भाइयों को सपोर्ट है हमारे साथ, और इंशाल्लाह काम को देख रहे हैं भाई, हमने काम करवाया, विकास करवाया था गाँव में, और हमने गांव में चारों तरफ जा किसी ने हमारी वोट दिया ना दी, कोई हमारे पक्ष में था या विपक्ष में था, हमने सबके ही काम चारों तरफ गांव में काम करवाए हैं, रास्ते बंधवाए हैं, पानी की किल्लत है पूरी करी, दो बोर करवाए थे हमारे टाइम के, वही बोर चल रहे हैं अभी, कोई नया बोर नहीं हुआ, और सारे रास्ते करवाए, रास्ते बंधवाए थे, काफ़ी विकास करवाया था सब तरह का। सरपंच साहब आपके गाँव नावली के लोग इस चीज़ को पुकार रहे हैं कि जब ये सरपंच बना था, जब वोट मांगने की अपील कर रहा था, तो हमसे बड़े बड़े वादे किए थे कि आपकी पानी की दिक्कत को दूर किया जाएगा, लेकिन जीतने के बाद इन्होंने एक बार भी ये एक्शन नहीं लिया कि गांव किस तरीके से जूझ रहा है पानी की प्यास को लेकर। नहीं पानी की कोई दिक्कत, अभी 2 बोर आए थे सरकारी, 2 बोर वोट की राजनीति के हिसाब से इन्हें ऐसे करवा दिया जहाँ पानी नहीं है, 4 घरों की पूर्ति नहीं हो रही है, तो हमने तो कहा था जहाँ पहले बोर हुए पड़े हैं वो हमारी नांगली तरफ गिदावड़ा, हमारा गौचारा का 100 किलो जमीन पड़ी हुई है, उधर मीठा पानी है, मैं कि भाई यहाँ बोर करवा दो और इससे ही लाइन में ज्वाइंट कर दो तो काम का भला होगा, पानी की किल्लत खत्म होगी। अब वो हालात के मुताबिक, वोट की राजनीति के मुताबिक वो दोनों बोर खराब हो गए, 8-9 लाख रुपये सरकार का खराब हो गया, और पानी की किल्लत आज भी इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी मुश्किल है पानी की, समस्या ही नहीं दूर। अच्छा सरपंच साहब, अब आगे के जो प्लान आ रहा है इलेक्शन में शुरू होने वाले हैं, तो जिस तरीके से ये लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या आप इन जनता के सवालों को खरा उतरेंगे? इंशाल्लाह हम खरा उतरेंगे, पहले भी खरा उतरा है, और हर समस्या को इंशाल्लाह भाइयों की दूर करेंगे, भाइयों की सेवा में रहेंगे, हम बिरादरी का आदमी है और बिरादरी की बात को मानेंगे। हमने तो पहले लोग बात क्या करते थे, हमारे मेवाज का रीति रिवाज चल रहा था भाई, कोई मसला हो जाता गांव में 1000 उससे ले लिए, 5000 उससे ले लिए, दंड कर दिया हमने, तो अपने 5 साल में वो भी ख़त्म कर दिया था वो मामला भी, और बिरादरी में कोई थाना तहसील में ज़्यादा मामला नहीं जाने दिया, और यही निपटा देते। आखिरकार आप अपने वोटरों से क्या अपील करोगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम तो कहेंगे भाई हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं, और जो काम हमसे नहीं हुआ रह गया था इंशाल्लाह, और वक्त आने पर अल्लाह ने हमको इज्जत दी, तो भाइयों की सेवा में हाजिर रहेंगे और भाइयों से मिलकर रहेंगे, और सारा काम को जो रह गया हमसे इंशाल्लाह उसको